नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। श्री राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले होने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निर्माण समिति की बैठक राम जन्मभूमि परिसर में हुई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में नृपेंद्र मिश्रा के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय बंसल के साथ सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विमलेंद्र मोहन मिश्रा भी मौजूद रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने इस बैठक से पहले पुराने गर्भगृह स्थल का भी निरीक्षण किया। रामनगरी में चल रहे भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा दो दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंच गए। नृपेंद्र मिश्रा ने रात को आराम करने के बाद रविवार और सोमवार को ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्था के इंजीनियर्स के साथ मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में मंदिर की नींव में प्रयोग होने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता पर भी चर्चा होगी, जिससे कि इस मंदिर की नींव को ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इस पर भी नृपेंद्र मिश्र तकनीकी विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। भव्य राम मंदिर के नींव में डाली जाने वाली 50 लेयर में से 5 लेयर का काम पूरा हो चुका है। श्री राम मंदिर की नींव का निर्माण दिन रात चल रहा है। इस बैठक में चर्चा होगी कि बरसात के मौसम में भी ये कार्य किस तरह अबाध गति से चलता रहे। लक्ष्य है कि अक्टूबर महीने तक नींव के निर्माण का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लक्ष्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2024 से पहले पूरा करने का है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए 400 फुट लंबी और 300 फुट चौड़े स्थल पर 50 फुट गहरी खुदाई को भरे जाने का काम भी चल रहा है। इसमें करीब 6 फुट से ज्यादा नींव इम्प्रूवमेंट का काम पूरा हो चुका है। मंदिर के लिए बेस अर्थात चबूतरे को बनाने की तैयारी हो रही है। परिसर में परकोटा निर्माण की भी तैयारी की जा रही है। पत्थरों से मंदिर में स्ट्रक्चर बनाने के लिए मशीनों को लगाया जा रहा है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अकेले मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान में ही राम भक्तों ने करीब 700 करोड़ रुपए की धनराशि समर्पित की है। इसमें से ट्रस्ट ने SBI की अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ की FD भी कराई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नज़र अब विदेशी दानदाताओं पर है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद ट्रस्ट ने SBI के दिल्ली स्थित मुख्य ब्रांच पर अकाउंट भी खोल दिया है। इस खाते के संचालन का दायित्व 3 लोगों को सौंपा गया है। श्री राम मंदिर नींव की 5 लेयर तैयार हो चुकी है। मंदिर निर्माण का काम तेज गति से जारी है। राम मंदिर निर्माण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल मंदिर के नींव की भराई का काम तेजी से चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।